मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज तो मैं पूरा दिन घर पे ही हूँ, आज तो कहीं पे भी नहीं जाना है। पिछले कुछ दिनों से बहुत बाहर जा रहे हैं हम लोग, आज तो कहीं पे भी नहीं जाना है, आज तो पूरा दिन घर पे ही रहना है। कल वापस जाना है, आज घर पे है, कल वापस जाना है। केरिया गाँव है, वहाँ पर जाना है कल। आज तो घर पे ही है, और अभी तो कोई भी नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं, कोई भी नहीं है, पूरा खाली हो गया सब कुछ। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, सब लोग सुबह सुबह निकल गए हैं बाहर, और रात को वापस आ जाएंगे सब लोग। अभी तो कोई भी नहीं, हम लोग ये सिर्फ 5-6 जने हैं सिर्फ। कल तो मैं आपको मंदिर ठीक से नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहाँ पे शूट करने की परमिशन नहीं थी, और फोटो क्लिक करने की भी परमिशन नहीं थी, मना किया था, साफ साफ मना कर दिया था। मंदिर के अंदर नहीं कर सकते थे, बाहर कर सकते थे। मैंने व्लॉग बनाया था, थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाया था, बाहर कर सकते थे, अंदर नहीं कर सकते। तो व्लॉग भी अच्छा नहीं बना है कल का, परमिशन नहीं थी तो अब क्या करें, मना करते हैं तो करते हैं भाई। हमारा तीसरा खेत है, वहाँ पर तो जाना बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ का रास्ता ही नहीं है, हमको दूसरे रास्ते से वहाँ पे जाना पड़ता है, दूसरे के खेत से जाना पड़ता है हमको, वहाँ का रास्ता ही नहीं है। चलिए अब अंदर चलते हैं, वहाँ पे तो बहुत कम जाना पड़ता है, वहाँ तो हम जाते ही नहीं है, कोई कोई बार जाते हैं, क्योंकि वहाँ का रास्ता ही नहीं है, दूसरे के खेत से हमको जाना पड़ता है। तो ये आम का पेड़ है, अभी तो छोटा है, अभी तो इतना ही हुआ है, अभी और भी बड़ा होगा। आम के पेड़ को बड़े होते होते 5-6 साल लग जाते हैं, और इसको भी बहुत साल हो गए, पर ये बड़ा ही नहीं हो रहा है, इतना ही हुआ है अभी तो, और बड़ा होगा। ये नींबू का पेड़, ये आम का पेड़, ये चीकू का पेड़, और ये सीताफली, सब मेरी दादी ने लगाया था, अभी तो वो तो नहीं है, मेरी दादी तो नहीं है, ये सब पेड़ लगाए थे। एक सीताफली भी थी, पर वो हमने निकाल दी, क्योंकि वो बहुत ये छत पे आ रही थी, और छत पे पानी आ रहा था, इसलिए वो निकाल दी हमने सीताफली। वो भी बहुत बड़ी थी, सीताफल आते थे बड़े बड़े, बहुत अच्छा, और मीठे भी इतने थे, वो हमने निकाल दी। वो यहाँ पे छत पे पानी आता था ना, इसलिए वो निकाल दी। अभी चीकू है, आम है, नींबू का पेड़ है, वो सब कुछ है अभी तो। हम लोग बैठे हैं, हमारे गांव के फादर सब लोग ऐसे शांति से बैठे हैं अभी तो, इधर यहाँ पे तो कुछ काम नहीं होता, इसलिए ऐसे बैठते हैं, सब लोग ऐसे शांति से बैठे हैं यहाँ पर, इधर बैठे हैं, इधर बैठे और उधर बैठे हैं, और मेरे दादा इधर बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं इधर शांति से। आज के लिए बस इतना ही, मेरा लोग आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।